अमरावती हत्याकांड मामले में अमरावती पुलिस की अपराध शाखा ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड शेख इरफान खान को शनिवार को नागपुर से गिरफ्तार किया। इस मामले में यह सातवीं गिरफ्तारी थी। इससे पहले भी पुलिस ने 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाली थाने के अमरावती निवासी खान को कड़ी सुरक्षा के बीच अमरावती जिला एवं सत्र न्यायालय ले जाया गया। उन्हें 7 जुलाई तक हिरासत के लिए भेज दिया गया था। पुलिस के मुताबिक खान एक स्वयंसेविक संगठन रहबर के निर्देशक हैं और पुलिस ने अब उनके बैंक खातों की जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि राजस्थान के उदयपुर शहर में कोल्हे और दर्जी कन्हैया लाल की हत्याओं में समानता थी, क्योंकि दोनों पीड़ितों ने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की जांच भी अब NI को सौंप दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि अमरावती के सांसद नवनीत राणा के पति रवि राणा, जो कि क्षेत्र के विधायक भी हैं, उन्होंने मांग की है कि अमरावती पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर आरती सिंह को एक दुकानदार उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में कथित लापरवाही के लिए निष्कासित किया जाए। उनका सोशल मीडिया पोस्ट निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा का समर्थन करता है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव की रिपोर्ट। खबरों का सहनसा मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।